नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो का एपिसोड नंबर 21 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से संबंधित हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली की किसी प्लैनेटरी पोजीशन को अगर समझना चाहते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी प्रश्न जो कि ज्योतिष से संबंधित है, ऑकल्ट साइंस से संबंधित है, किसी तरह के ज्योतिषी उपाय से संबंधित है, वो सभी प्रश्न आप इस वीडियो में या इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्न को पूछने के लिए? अपना कोई भी जो प्रश्न है अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये समरजीत जी ने किया हुआ है कि गुरुजी, आपने मुझे गोल्ड की रिंग इंडेक्स फिंगर में वेयर करने के लिए बोला था, सर प्लीज विधि बता दीजिए इसे वेयर करने के लिए। गुरुजी कैसे वेयर करना है? सोने का छल्ला मैंने आपको गुरु के लिए बोला होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको एक सोने का छल्ला बनवा लीजिएगा। उसको आप गुरुवार के दिन सुबह लगभग सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर, जब तक गुरु की होरा रहती है, जो भी वार उस दिन होता है, जैसे गुरुवार के दिन गुरुवार है, तो गुरुवार को सूर्योदय के होने से 1 घंटे के अंदर अंदर, मान लीजिए सूर्योदय अगर 5:30 बजे हो रहा है, तो 5:30 से 6:30 के बीचों बीच जो होरा होगी वो गुरु ग्रह की होरा होगी। तो गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर आप इसको अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिए। अब धारण करने के लिए क्या करना है? धारण करने के एक दिन पहले यानी कि बुधवार की रात में गंगा जल या जो भी नदी का जल आपके पास, वो और कच्चे दूध में उसको डुबा करके रख दीजिएगा। नेक्स्ट डे सुबह उठ के उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करके सामने विष्णु भगवान की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, भगवान की मूर्ति के सामने रख दीजिएगा। अगरबत्ती, धूप, दीपक जला करके पूजा कर लीजिएगा। और गुरु का जो बीज मंत्र होता है, गुरु का बीज मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने के बाद 1 या 3 माला अपने समय के हिसाब से आप इसको जाप करके अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिएगा। इससे आपके गुरु को बल मिलने लग जाएगा। तो यही विधि होती है, कोई इसमें स्पेशल बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये RN के क्रिएटर्स आईडी से है, सर अगर कुंभ लग्न की कुंडली के नवम भाव में 4 ग्रहों की युति हो, सूर्य, बुध, गुरु और मंगल, और सूर्य 2 डिग्री 16, क्या लिखा हुआ है आपने, सूर्य 2.1639 डिग्री हो, गुरु 1.29 डिग्री पे, मंगल, ठीक है सभी ग्रहों की डिग्री दी है, जिसमें शुक्र अष्टम भाव में है और शनि 12वें भाव में है, तो इस कुंडली में सबसे अच्छा करियर ऑप्शन क्या हो सकता है? साथ में 10th हाउस में चंद्र राहु की युति भी है, तो इनके प्रभाव क्या होंगे और इन सब ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं ये भी बताएं। सभी ग्रहों को मजबूत करने की आवश्यकता क्या है सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। और देखिए, करियर आप ऐसा तो है नहीं कि आज चालू करेंगे कल बदल देंगे, या कल चालू करेंगे परसों बदल देंगे। जीवन भर के लिए एक व्यक्ति करियर चुनता है, तो करियर को चुनने से पहले करियर का सिलेक्शन जन्म कुंडली के 10th हाउस से होता है, और 10th हाउस ही सभी केंद्रों में सबसे मजबूत केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का प्रॉपरली अध्ययन कराइए, उस कुंडली में देखिए कि किस भाव के पास अधिक बल है, किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा बल है, कौन सा ग्रह शेड्यूल इत्यादि में बली हो रहा है, कौन सा ग्रह नवमांश D10 चार्ट में बली हो रहा है, उसके बाद आपके करियर को डिसाइड किया जाएगा। मात्र कुछ प्लैनेट्स के अंशों के आधार पर आपके करियर को डिसाइड नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो आज के लिए सही हो, परंतु कल या परसों जाकर के आप उस फील्ड से ही परेशान हो जाएं। अगर कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है और नवम भाव में 4 ग्रह जाकर के आपके बैठे हुए हैं, मतलब कि तुला राशि में आपके 4 ग्रह बैठे हैं, वहां पे हैं सूर्य, बुध, गुरु और मंगल हैं, तो इस कुंडली के आधार पर टीचिंग का सेक्टर बनता है। फिर मैं वही कहूंगा कि कोई भी चीज की गारंटी नहीं है। दशम भाव में अपने कहा चंद्रमा और राहु बैठे हैं, दशम का राहु तो अच्छा होता है, लेकिन दशम भाव में चंद्रमा जाकर के बैठेंगे तो उस भाव में फ्लक्चुएशन ला देंगे। वैसे ही आपकी कुंडली इस बात को प्रदर्शित कर रही है दशम में चंद्र राहु होने के चलते कि आप बार बार अपने करियर को बदलोगे, आपके करियर में फ्लक्चुएशंस रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। इसीलिए बकायदा जन्म कुंडली का प्रॉपर अध्ययन कराने के बाद ही अपने करियर को चूज करिए। ऐसे 4 लाइन के प्रश्न में या 4 लाइन के जवाब में अपने करियर के साथ में आप रिस्क ना लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है ये सुमन घोष जी ने किया है कि मिथुन राशि कन्या लग्न,
ठीक है, कन्या लग्न और मिथुन राशि अर्थात चंद्रमा जाकर के दशम भाव में बैठे हैं। लग्न में अस्त मंगल गुरु शुक्र एक साथ हों और द्वितीय भाव में सूर्य राहु के नक्षत्र में केतु के साथ बैठे हैं। बुध वृश्चिक राशि में 2 डिग्री पर, गुरु के नक्षत्र में, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और शनि ग्रह पुष्य नक्षत्र में 3 डिग्री पर एकादश भाव में है। नवमांश कुंडली भी कन्या लग्न का है। लग्न में मंगल, चौथे भाव में केतु, पंचम में चंद्रमा, छठे भाव में सूर्य शुक्र, नवम में गुरु, दशम में राहु, एकादश में आपने तो पूरी कुंडली दे दी। दोनों ही गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में पर जन्म कुंडली के लिए कौन सा उपाय और स्टोन सही होगा? कन्या लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ये आपको करना चाहिए। अष्टमपति जाकर के मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, भले ही वो अस्त हैं लेकिन अष्टमपति का जाकर के लग्न में जाना जातक के जीवन काल में नाना प्रकार के कष्ट, संघर्ष और परेशानियों को उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ अष्टमपति बने हुए मंगल जाकर के आपके लग्न में बैठेंगे तो इनका लग्न में जाना आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको देगा। साथ ही साथ रक्त जन्य विकार, रक्त से संबंधित परेशानियां और स्किन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी आपको देखने में मिल जाएंगे। तो ये कुछ परेशानियां हैं, आपको अपने मंगल ग्रह के संबंधित उपाय तो करने ही चाहिए। तो सबसे बेटर होगा कि आपके इष्ट देवता हनुमान जी बनते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से इष्ट की साधना भी हो जाएगी, इष्ट की आराधना भी हो जाएगी, साथ ही साथ जो मंगल जन्य बुरे परिणाम है उसमें भी कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। अब वृश्चिक राशि में 2 डिग्री पर बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो त्वचा जन्य रोगों को तो पूरी तरह से प्रदर्शित कर ही रहे हैं, तो इसके लिए आप जो मैंने आपको उपाय बताया वो करिए। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की आराधना करने के बाद आपको त्वचा जन्य जो परेशानी है उसमें काफी हद तक कमी देखने में मिल जाएगी। और रही बात स्टोन की, तो स्टोन इस तरह से नहीं बताया जा सकता है, आपने तो पूरी जन्म कुंडली ही यहाँ पर दे दी है, इस तरह से नहीं होता है। उसके लिए भी षडबल और बहुत सी चीजों को देखना होता है। तो कोई एक लाइन का प्रश्न अगर आप देंगे तभी स्टोन, मैं स्टोन बताने को तो बता दूं आपको अभी, लेकिन उस स्टोन से आपको संभव है कि नुकसान हो जाए, तो बिना जन्म कुंडली को देखे तो मैं स्टोन नहीं बताऊंगा। अगला प्रश्न है, पार्था सारथी लोध जी ने किया है कि नमस्कार सर, अगर शनि सेकंड हाउस में हूँ और राहु 10th हाउस में हूँ, राहु की दृष्टि शनि पर हो मेष लग्न की कुंडली में, इसका क्या रिजल्ट खराब होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका रिजल्ट खराब नहीं होगा। मेष लग्न की कुंडली में दशमेश और लाभेश बनेंगे, शनि जाकर के द्वितीय भाव में बैठेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो लाभेश का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना महाधनी योग होगा, ये दशम पति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना, ये भी आप व्यापार इत्यादि के सेक्टर में भी सफल हो सकते हैं। तो ये योग तो बढ़िया है, धन के दृष्टिकोण से बढ़िया है। दशम भाव में राहु जाकर के बैठे तो दशम भाव में राहु होने के चलते ये इनके इन प्रकारण धन कमाने की आदत आपके अंदर होगी, या ये इनके इन प्रकारण आप धन अर्जित करेंगे। समाज में ऐसे लोग प्रतिष्ठित भी होते हैं, परंतु प्रॉब्लम अगर आपने पूछा खराब होगा क्या, तो भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। परंतु जहां बात रिश्तों की आएगी, जैसे द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है, अब कुटुंब भाव में शनि जाकर के बैठेंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो कुटुंबी जनों के साथ में संबंध खराब होंगे, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी, क्योंकि चतुर्थ में केतु होंगे और उस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो माता के साथ संबंध खराब होना या माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी आपको देखने में मिलेगी। कुटुंबी जनों के साथ में, जो कुटुंब के लोग होते हैं उनके साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, या कुटुंबी जनों से आपको ये प्लेसमेंट दूर लेकर के जा सकती है। साथ ही साथ द्वितीय भाव वाणी का होता है, वहां शनि जाकर के बैठे राहु की दृष्टि से दृष्ट है तो वाणी, वाणी में कड़वाहट आपको देखने में मिलेगी। द्वितीय भाव से जिह्वा का, खाने पीने का विचार किया जाता है तो गलत खान पान की आदत भी आपको हो सकती है। तामसिक अभक्ष का भक्षण करने की आदत हो सकती है, तामसिक चीजें ज्यादा पसंद आने लग सकती हैं, तो ये इस मामले में खराब होगा। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अगर आप रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, परंतु अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से, सिर्फ धन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें कोई परेशानी आनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही कुछ प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 21 में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपने प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं उसमें उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नमस्कार।